नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों आज रिवर फ्रंट पे मैं आए हुए हैं और यहाँ पर काइट फ्लाइंग चल रही है, तो मैं चाइना में आपको काइट फ्लाइंग दिखाता हूँ। और यहाँ पर लोग वीकेंड के ऊपर मस्ती करते हैं, मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाई है इसके ऊपर। और आज हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, तो लोगों ने काइट फ्लाइंग का मौसम बनाया हुआ है। चलिए दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये लोग यहाँ पर काइट्स कैसे होते हैं। ये प्लास्टिक की काइट्स हैं और ये पानी में गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ये ख़राब नहीं होती। और आप ऊपर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्लियरली दिखाता हूँ आपको। ये काइट है, ये कोई चिड़िया नहीं उड़ रही, इट्स अ काइट। और ये चिड़िया की शेप में, ईगल की शेप में है, कोई प्लेन की शेप में है। और लोग ऐसे यहाँ पे उड़ाते हैं और ये इतनी हाइट पे चली जाती है और इसी का मज़ा है सारा। ये देखिए, लुक एट दिस। अब इमेजिन कर सकते हैं ऐसी को पतंग हो जो भारत में उड़ती हो, और यहाँ पे कोई भी, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि कोई उड़ा रहा है तो उसको काट देते हैं लोग, तो यहाँ पर ऐसा कोई काम करता नहीं है, यहाँ पर अपना इंजॉय करते हैं। और ये कौन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये तो जैसे इंडिया में काइट्स होती हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े साइज़ की हैं ये। और ये सबकी खासियत ये है कि प्लास्टिक की है, ये फटती नहीं है, ख़राब नहीं होती, आप सालों साल इसको यूज़ कर सकते हैं। और यही मज़ा है। ये देखिए, ये यहाँ पर नदी है, नदी में कई बार गिर जाता है ये पतंग जो है, अब उसको उठाकर दोबारा से और निकालिए, एक सेकंड में वो सूख जाती है, दोबारा उड़ा सकते हैं। जो डोर है वो भी प्लास्टिक की है। ये है यहाँ पर, अभी मैंने आपको दिन में दिखाया है, मैं आपको रात को भी दिखाऊंगा कि रात में जो पतंग उड़ती है यहाँ पर वो कैसी होती है। यहाँ पर रात को भी पतंग उड़ती है जबकि भारत में नहीं उड़ती, और भारत जो रात को उड़ती है वो उसका नज़ारा कुछ और ही है। मैं बाद में दोबारा से बनाता हूँ आपके लिए। अब ये अभी देखो आप, ये जो डोर पकड़ी हुई है, क्या इसकी उम्र है। और इस उम्र में भी ये एक घंटे दो घंटे से देख रहा हूँ इसको मैं, ये पतंग उड़ाता जा रहा है। जो आपने ईगल देखी थी ऊपर, जो ईगल उड़ रही है ऊपर, वो जो पतंग है उसकी इतनी दूर उड़ रही है, वो यही उड़ा रहा है। और ये ऐसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं वीकेंड्स के ऊपर, कोई उम्र का वो नहीं है कि भाई इतनी उम्र है क्या करेंगे। देखो आप कितना आदमी ये फिट है। बस यहाँ पर ज़िंदगी जीने का एक सिस्टम बनाया हुआ है। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था मीना जी के ऊपर, जो 60 साल की उम्र में उन्होंने कैटवॉक किया है और वो फैशन शोज़ में जाती हैं। शी वॉज़ दी ओनली पर्सन जो इस एज के अंदर भी फैशन शो में पार्ट ले रही हैं। क्या आपने कभी इमेजिन किया है, सारे सफ़ेद बाल हों और आप फैशन शो में जा रहे हो। यही है जज्बा जीने का, कि भाई उम्र सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए। यही चीज़ यहाँ पर है। मैं बार बार इसलिए ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ आपके लिए, और अगले हफ्ते में मेरी कोशिश है, कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई जो यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल की फैक्ट्रीज़ होती हैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाइए, मैं वो भी बनाऊँगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए रात के टाइम की, कि यहाँ पर इस एरिया में रात को एटमॉस्फेयर कैसा होता है वो दिखाऊंगा। थोड़ी देर और बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू। तो सिर्फ उन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी देखिए अब कैसे मस्ती कर रहा है। और पतंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये पतंग नहीं है, ये छोटी सी एक वो जैसे होता है कागज़ का बना हुआ, ये उड़ा रहा है वहाँ पर और हवा के साथ उड़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। और लोग यहाँ पर आकर ऐसे मस्ती करते हैं। और ये शेप एक ऐसा ही नहीं है, एक ईगल की शेप में भी है, जैसे ये वाला पूरा ईगल की शेप में जो मैंने दिखाया था, अभी वो नीचे लटा दिया मैंने एक सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, कि ऐसे ईगल की शेप में ये पतंग है और ये उड़ती है, ऐसे लगता है कि चिड़िया उड़ रही हो, ऐसे प्लेन्स की शेप में भी है। और यही नहीं, यहाँ पर इवन गुब्बारे भी मिलते हैं, वो भी बड़े अजीब तरह के हैं। ये सारे गुब्बारे हैं, अब इंडिया में भी गुब्बारे आते हैं, बड़े सिंपल तरह के उसके डिज़ाइन होते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, ये सारे गुब्बारे हवा भरी हुई है और लोग उड़ाते रहते हैं, और पूरा आसमान इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ था है। अब जब यहाँ पे पूरा एरिया देखेंगे, पूरा एरिया ऐसी रंग बिरंगी पतंगे, जो ये सारी की सारी प्लास्टिक की बनी हुई हैं, गुब्बारे हैं, लोग उड़ाते हैं, उड़ाकर अपना एंजॉय करते हैं। देखिए पूरा आसमान भरा हुआ है, कोई किसी की पतंग को काटता नहीं है, हर एक अपने अपने लेवल पर एंजॉय कर रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता। और ये ओपन एरियाज़ हैं, शहर के बीचों बीच है और अपनी मस्ती चल रही है। और इसके साथ यहाँ पर देखिए जो एरिया है वो भी कितना खूबसूरत है, गवर्नमेंट ने भी प्रॉपर इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये चीज़ें हैं जिसके कारण लोग शाम को निकलते हैं फैमिली के साथ, यहाँ पर पिकनिक बनाते हैं, खाना खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, एक एक्टिविटी है।
और यही नहीं है, यहाँ पर इवन खाने पीने का सामान भी आपको मिलता है। और ये सारा जो वीकेंड है ये ऐसा ही निकलता है लोगों का, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, एक फाइनेंशियल हब है। और यहाँ पर सबसे अजीब थी आइसक्रीम। आइसक्रीम जो मैंने देखी यहाँ पर वो थी जो हरी वाली दाल होती है हमारी, मूंग की दाल है, मूंग की दाल की आइसक्रीम है ये। मूंग की दाल हमारी नमकीन बनती है, ये थोड़ी सी हल्का से इन्होंने रॉक शुगर डालकर इसे मीठा बना दिया। और उसके बाद लोगों ने अपने टेंट लगाए हुए हैं, ये टेंट्स लगाकर ये शाम का टाइम अब शुरू हो गया है। टेंट्स पूरा दिन लगते हैं, शाम को लाइटिंग लगनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को बुलाएंगे, पूरा दिन यहीं पर टेंट्स में बैठकर, किसी को बुक पढ़नी है, किसी को कुछ काम करना है, किसी को एंजॉय करना है, ताश खेलनी है, गेम्स लेकर आते हैं, किसी को अपनी बर्थडे की पार्टीज़ बनानी है, वो यहाँ पर आकर मनाते हैं। सबके घरों में एक टेंट और थोड़ी सी कुर्सियाँ टेबल, ये फोल्डिंग वाली, ये हर के घर में होती ही है चाइना में। जैसे ही देखा कि हल्का सा मौसम ठीक है, बाहर निकल जाते हैं और बाहर बैठकर एंजॉय करते हैं। ये नहीं है कि जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है भारत के अंदर, वो इस वीकेंड्स के टाइम पर वो घर पर बैठे रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं, या कभी निकलेंगे तो कहीं ना कुछ खाने पीने के लिए निकल जाएंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने ये कॉन्सेप्ट कलकत्ता में देखा था भारत के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो हर बंदा बाहर निकलता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, और यही लाइफ है। दोस्तों मैं क्यों ये वीडियोस बनाता हूँ, एक आइडिया देने के लिए कि ज़िंदगी जीने का नाम है, और जीने के लिए आपको ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये बहुत सस्ते में चीज़ें आती हैं और आप भी इसको कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो भी बहुत अच्छा कर दिया। आप देखिए ये म्यूज़िक है, ये म्यूज़िकल लाइट्स हैं एक तरह से, जिसको बोलते हैं डांस ऑफ लाइट्स बोलते हैं इसको। ये जितनी बिल्डिंग्स हैं सारी सिंक्रोनाइज हैं एक दूसरे के साथ। आप लाइटिंग देखिए, किसका मन नहीं करेगा ऐसी जगह पर आकर। वीडियोस बनाते हैं लोग वहाँ पे खड़े होकर, यू नो दे स्पेंड टाइम, और आप घंटों खड़े हो सकते हैं नदी के किनारे, बोट्स चल रही हैं वो उसी के बीच में। और डेकोरेशन देखिए आप, उसकी लाइटिंग देखिए, और बिल्डिंग्स देखिए, ये सारा का सारा इन्होंने एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिससे लाइटिंग्स आपके उसके ऊपर आती हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर, और सारी बिल्डिंग्स ऐसे ही लाइटेड रहती हैं। यही नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपर ही लाइट्स हैं, देखिए पानी में भी रिफ्लेक्शन उसकी आती है, एक अच्छा और बहुत बढ़िया माहौल आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो इवन यहाँ के पुल हैं, पुलों के ऊपर भी इन्होंने ऐसे ही लाइटिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ ये सारी, देखो सारी बिल्डिंग्स में जो सिंक्रोनाइजेशन है आप सब देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं रिवर साइड पर, सारी बिल्डिंग्स के ऊपर ऐसी ही लाइटिंग लगाकर इन्होंने इसको ब्यूटीफुल एक एटमॉस्फेयर बना दिया। अब ये डिज़ाइन चेंज होने शुरू हो गए, तो सारी बिल्डिंग्स के ऊपर वही डिज़ाइन चेंज होना शुरू हो जाएगा। इतना सिंक्रोनाइजेशन है एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग में। और इसके बाद अब डिफरेंट एरिया में गए हैं, तो वहाँ पर लाइटिंग डिफरेंट है, डिज़ाइंस डिफरेंट हैं, बिल्डिंग के डिज़ाइन भी डिफरेंट है और लाइटिंग का डिज़ाइन भी डिफरेंट है। इसलिए लोग यहाँ पर आके खड़े होकर पसंद करते हैं इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। ये देखिए ये रिवर साइड है, और ये रहा ब्रिजेस। अब ब्रिज देखिए, उसकी लाइटिंग, उसका सिस्टम, ब्रिज तो ब्रिज है पूरी दुनिया में, लाइटिंग ही है जो इसे डिफरेंट बनाती है। जब रिसेंटली मैं वहाँ पर गया था भारत में, तो अहमदाबाद में भी ऐसे ही पुल के ऊपर लाइटिंग देखने को मिली थी, लेकिन जो ये सिस्टम है लाइटिंग का, आप देखिए पूरा एक डिस्प्ले है, डिज़ाइंस बन रहे हैं पुल के ऊपर है, सड़कों के ऊपर जो पुल होते हैं, नदी के ऊपर पुल है उसके ऊपर ऐसी लाइटिंग होती है। और यही चीज़ है जो एक सिटी को दूसरी जगह से अलग बनाती है, क्योंकि आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। इसको देखने के लिए ही लोग आते हैं, और इसी से टूरिज्म भी बढ़ता है। और चाइना ने इस गेम को बहुत आगे ले गए हैं थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसके साथ जो ट्रेडिशन है इनका कि हर रोज़ शाम को डांस सीखते हैं, सड़कों के ऊपर लोग डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए कोई उम्र का लिहाजा नहीं है, हर आदमी, हर जो है कोई भी एज ग्रुप का हो वो यहाँ पर डांस कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये सालसा कर रहे हैं, ये डांसिंग सीख रहे हैं, ये पूरे क्लब्स बने हुए हैं सड़कों के ऊपर, ये कुछ चल रहा है चाइना के अंदर। ये है एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जो हमें भारत में देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे तो कोई ऐसा करेगा तो लोग वहाँ पे सीटियाँ मारने लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। यही कल्चर का डिफरेंस है जो चाइना को भारत से थोड़ा सा अलग बनाता है। फैमिली वाले लोग हैं जैसे भारत में हैं। और इसके साथ में ये सामने दोबारा से वही लाइटिंग का सीन,
आप शिप देखिए, मैंने स्पेशली बनाया ये वाला कि जो बोट चल रही है, ये एक 1.5 घंटे की बोट है। आप इसको हायर कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं, टिकट कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। 1.5 घंटा आपको पूरा रिवर में वो घुमाएगा और घुमाकर आपको वापस वहीं पर ले आएगा। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं देखिए सामने, और इस पर एडवर्टाइजमेंट चल रही है। इवन जो सामने वो कैंटन टावर है, इसके ऊपर भी ऐड चलती है। और ये जो बोट्स हैं, इसको सबको स्पॉन्सर किया हुआ है किसी ना किसी कंपनीज़ ने। वो सारी लाइटिंग लगाते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, और इसी से माहौल एक डिफरेंट हो जाता है। अगर भारत में भी कितनी नदियां हैं, हर शहर में से एक नदी निकलती है, बट डिफरेंट सिस्टम। दोस्तों वहां पर इवन ये भी है कि जो लोग हैं वहां पर म्यूज़िक चला रहे हैं, गाने गा रहे हैं, हम भी जाके मस्ती करते हैं उनके साथ। वो एंजॉय कर रहे हैं तो हमें कौन रोकता है, और सुमित जैन तो रुकने वाला वैसे भी नहीं है। अब देखिए वो अपना एंजॉय कर रहा है, हम भी साथ में लगे हैं, कोई शर्म नहीं, कोई वो नहीं भाई। जो हैप्पीनेस ढूंढने से नहीं मिलती, वी आर हैप्पीनेस, और मैं इसी सिद्धांत से जीता हूँ। कुछ भी मिलता है मैं एंटर करता हूँ, पूरा एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को। ये परवाह नहीं कि आस पास जो लोग निकल रहे हैं वो क्या सोचेंगे, भाई हम एंजॉय करते हैं तो वो भी एंजॉय करते हैं हमारे साथ। और सभी पूछ रहे थे यार ये आदमी है कौन, यही है जो सनातनियों को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। तो दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोग चाइना में कैसे लाइफ को जीते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। हैप्पीनेस हम खुद ढूंढते नहीं हैं, हम ही हैप्पीनेस हैं, और यही सनातन का सिद्धांत भी है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और एंजॉय कीजिए इस डांस को।文武修士一听忙学那套啊，庄稼汉在一旁打山那谈啊，在哪里什么禽兽啊，新秀林明明是故意在把我为难啊，是有你无你大地先的起业，文修士首先把酒拧来满，他说道啊，我手提养好肩又没肩啊，写起来那梅花转子啊弹又啊弹，只有耳我的文采好又啊好啊，金榜题名得中了文状啊软，只因为我的这个八字大，你们谁想比我是难上啊难啊，我说这话你们说对不对，哎你们谁说不对就胆裁判啊，修士学霸忙活嘛就完，武修士接着把酒拧来满，他说道啊，我手提表拧肩肩又没钱啊，拿开这个宝雕眼光来谈又来谈，只有耳我的武艺好又来好，金榜题名得中了武状元，只因为我的这个八字大，你们谁想比我是难上啊难啊，我说这话你们说对不对，哎你们谁说不对也当裁判啊，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎，文武修士学霸忙活了就啊，庄稼汉在一旁猫开眼啊，文
灵修斯一间小婆鸟口吻，无修斯笑得一个面朝天门。张梦娘也得高头撒到笑，老丈人笑着开了眼门，开眼就把那三喜叫，三喜呀你软不上来就把菜单呐、啊，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎，我啥我软不上来呀，我黄我死有的腿，你们听到我手提面刀是尖又啊尖呐，所以得这个麦草头弹又啊弹。只有儿，我们夫妻两个的感情好又啊好啊，一胎生下来文武两个，两个壮儿软。要不是脑子中天，哪怕二弟八字大，两个小杂种要想活命是难上而难。哎，我说这话你们说对不对？你们谁说不对也谈菜也谈呢、啊对对对对，芝麻的文武修士红娘啊见这个岳父岳母口难的言呢、啊、这就是山西白蛇的一小单，我唱到此地就散完呢、啊Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.